इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें आपको साइट की नॉलेज के बारे में आपको पता लगेगा। और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है लिफ्ट की शटरिंग। लिफ्ट में जो आपको शेयर होती होती है उसकी शटरिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए, तो आप अपने सामने देख सकते हैं। ये हमारी जो लिफ्ट है, ये दोनों हमारी लिफ्ट की शेयर हॉल है और इसमें जो है हमने इसकी शटरिंग करी हुई है। तो शटरिंग करने में हमने क्या क्या मटेरियल का यूज़ कराया है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो प्लाईवुड है, सबसे पहले मैं आपको प्लाईवुड के बारे में बताता हूँ कि ये जो प्लाईवुड है ये 12 mm का है, हमने इसका यूज़ करा है और ये शटरिंग के लिए ही होता है, ये वाटरप्रूफ होता है। तो हमने इस प्लाई का यूज़ करा है, उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमने बत्ते का यूज़ करा है। हमने इस प्लाई और बत्ते का यूज़ करके हमने एक ये क्या है कि पूरी साइड बनाई है और इसी साइड का यूज़ कर आप देख सकते हैं कि इस एक शेयर वॉल में 1, 2, 3, 4 साइड हमने यूज़ करी है। और जो इस साइड पर लगा है क्या है, इसे बोलते हैं स्टॉपर। तो ये चारों यहाँ पे साइड लगी हैं और एक ये स्टॉपर है। लेकिन इसी के साथ साथ जो लिफ्ट वॉल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि जब भी आप इसकी कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग करते टाइम आपको इसमें वाइब्रेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे तो जो हमारी लिफ्ट वॉल है वो कहीं से फूलनी नहीं चाहिए। अगर फूलेगी तो फिर जब ये फूलेगी तो आगे क्या होगा कि जब आपका यहाँ पर लिफ्ट लगेगी तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, लिफ्ट आपकी फिट नहीं होगी, क्योंकि जो भी लिफ्ट आती है वो उसी साइज़ के हिसाब से आती है जितना हमारा लिफ्ट फिट का साइज़ है। तो हमारी शटरिंग फूले ना, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम ये इसको साइड की देसी भाषा में बोला जाता है घुग्गू, तो हम घुग्गू का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ ये जो आप चैनल देख रहे हैं, ये साइड पे जुगाड़ करके इसको बॉयलर बनाया गया है और इसमें इस तरीके से सरिया अंदर घुसा के और फिर जो ये, और जो आप इसको देखेंगे ये जो घुग्गू है इसको इस तरीके से इसमें सटा दिया गया है कि जब ज़ोर पड़ेगा तो फिर ये इसको फूलने से रोकेगा और जो चैनल है चैनल इसको सपोर्ट करेगा, सरिया मोड़ के इसको पूरी तरह टाइट कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो इसी तरीके से जब भी आप अपनी साइट पर लिफ्ट की शटरिंग करवाएं तो इसी तरीके से आप क्या है कि जो आपका घुग्गू है, चैनल है, बॉयलर है, आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक अच्छी शटरिंग आप तैयार कर सकते हैं। और प्रॉपर वाइब्रेशन करवाइए, जब उसमें प्रॉपर वाइब्रेशन होगी तो आपकी लिफ्ट की फिनिश जो है अच्छी आएगी। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है, कुछ आप चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।